स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। अच्छी संगति आपको आशीषित करती है। जैसा कि मरकुस की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 23 और 24 आयत में लिखा है, राजा ने शपथ खाई कि मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा। उसने बाहर जाकर अपनी माता को पूछा कि मैं क्या मांगू। उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। मेरे प्रियो, राजा हेरोदेस अपने भाई की पत्नी के साथ रहता था। एक दिन राजा के जन्मदिन पर उस औरत की बेटी राजा के सामने नाचती है और राजा खुश होकर उससे वायदा करता है कि मांग जो मांगना है, मैं तुझे आधे राज्य तक जो कुछ तू मांगेगी तुझे दे दूंगा। और वो लड़की अपनी माता के पास जाकर पूछती है कि मैं क्या मांगू, और उसकी माता उत्तर देती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। और वो इसी तरह करती है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांगती है। जरा सोचे, राजा ने उसको आधे राज्य तक देने का वायदा किया था कि यदि वो आधा राज्य मांग लेगी तो उसको दे दिया जाएगा, परंतु वो अपनी व्यभिचारी माता की सलाह मांगती है और अपनी आशीष गवां बैठती है। वो उस आधे राज्य की रानी बन सकती थी, वो राज्य का वो हिस्सा भी मांग सकती थी जिसमें वो जेल भी उसकी हो जाती, जिसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को रखा गया था। बाद में वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में सोच लेती, पर नहीं, उसने अपनी माता द्वारा उकसाए जाने के बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांगा और अपनी आशीष गवां दी। उसकी माता व्यभिचारी औरत थी, वो अपने पति को छोड़कर राजा के साथ रह रही थी। एक व्यभिचारी से ली गई सलाह ने उसके आशीषित होने के मौके को गवा दिया। याद रखें, यदि आपके साथी व्यभिचारी हैं, पाप में हैं, और यदि आपकी संगति गलत लोगों के साथ है तो आप कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। राजा दाऊद ने कहा था कि मेरे बाद मेरा बेटा सुलेमान राजा बनेगा, परंतु दाऊद का दूसरा बेटा अदोनिया अपने आप को राजा घोषित कर देता है। वो उस समय परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता ने सुलेमान की माता की अगुवाई की, उसको सलाह दी कि अब राजा दाऊद के सामने जाकर ये शब्द बोल जो मैं तुझे बता रहा हूँ। और जब सुलेमान की माता बेतशेबा दाऊद के सामने जाकर नातान भविष्यद्वक्ता के कहे अनुसार कहती है तो सुलेमान राजा बनाया जाता है। एक लड़की की संगति व्यभिचारी के साथ है तो उसका परिणाम उसको आधे राज्य के बदले एक सिर मिलता है जिसको वो खा भी नहीं सकती। परंतु एक अच्छी संगति रखने वाली बेतशेबा आशीषित होती है, उसका बेटा राजा बनाया जाता है। बुरी संगतियों से अलग हो जाए और अच्छी संगति से जुड़े। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा की गई इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि हर गलत संगति आपके जीवन में बेचैन हो और वापिस चली जाए। मैं इनको मसा करता हूँ आजाद होने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।